इस क्लास में प्रीपोजिशन के पार्ट 11 मतलब ये अंतिम है। पार्ट 11 में कुछ प्रीपोजिशन जो है उसके प्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है बीनीथ। बीनीथ का मतलब किसी चीज के नीचे हो और साथ साथ स्पर्श हो, जैसे दे फाउंड द बेबी, उन्होंने बेबी को कहां पाया, उस बच्चे को कहां पाया, बीनीथ ए पाइल ऑफ लीव्स। ए पाइल ऑफ लीव्स का मतलब होता है पत्तियों का ढेर, तो कहां पाया बच्चे को, पत्तियों के ढेर के नीचे। इसका मतलब कि पत्तियों के ढेर के नीचे था, मतलब स्पर्श, पत्तियों के ढेर से स्पर्श था। दूसरा प्रयोग है के लायक नहीं या के योग्य नहीं। यदि कोई व्यक्ति कोई नौकरी करना चाहता है तो उसको सलाह दी जाती है उसके अपनों के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा, कि यह जो तुम जॉब करना चाहते हो तो दिस जॉब इज बीनीथ हिम, मतलब यह जॉब जो है उसके योग्य नहीं है, मतलब उसमें इतना टैलेंट है कि इससे अच्छा जॉब आप उसको प्राप्त करना चाहिए, अर्थात यह जॉब उसके योग्य नहीं है, उसके लायक नहीं है। तीसरा है मान प्रतिष्ठा में नीचे, जैसे ही मैरिड, उसने शादी किया, बीनीथ हिम मतलब अपने से मान प्रतिष्ठा में नीचे वाले के यहां, मतलब जिस परिवार में उसने शादी किया उसका परिवार बीनीथ हिम था, मतलब उसके मान प्रतिष्ठा में उससे नीचे था। अंडरनीथ का मतलब होता है के नीचे और इसमें भी स्पर्श होना चाहिए, जैसे सी फाउंड ए लॉट ऑफ डस्ट, उसने क्या पाया, बहुत सा धूल कण अंडरनीथ द कारपेट, मतलब जो कारपेट बिछाया हुआ था उस कारपेट के नीचे, मतलब स्पर्श था। तो इसका मतलब कि जहां पर के नीचे के अर्थ में स्पर्श हो तो वहां बीनीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं और अंडरनीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते थे अंडरनीथ द कारपेट या बीनीथ द कारपेट भी लिख सकते थे। यहां पर एक चीज ध्यान देना है नोट में कि अंडर, बीनीथ तथा अंडरनीथ का जो प्रयोग होता है के नीचे के अर्थ में होता है, लेकिन प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कहां पर अंडर का प्रयोग करेंगे, कहां बीनीथ और अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और टच नहीं करता हो, टच नहीं करता हो तो अंडर का प्रयोग करेंगे, और टच करता हो तो अंडरनीथ या बीनीथ का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज हिडन, राम कहां छिपा हुआ है, बेड के नीचे, मतलब बेड के नीचे वो टच नहीं है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, अंडर द बेड। माय फादर इज सिटिंग, मेरे पिताजी बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे मतलब जो डाली है वो डाली उनसे स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए अंडर द ट्री। ही वाज, वह कहां था, पुल के नीचे, मतलब पुल से उसका स्पर्श नहीं है, तो के नीचे अगर टच नहीं करता हो, स्पर्श नहीं करता हो तो अंडर का प्रयोग। लेकिन अब देखिए माय लेटर इज, किताब के नीचे, किताब के नीचे मतलब के नीचे है, मतलब उससे स्पर्श है, टच है, तो यहां पर बीनीथ भी लिख सकते हैं, बीनीथ द बुक या अंडरनीथ द बुक। तो अब बताइए कि यहां पर क्या होगा, मेरा मोबाइल तकिया के नीचे है तो तकिया से स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीनीथ भी लिख सकते हैं, यहां पर बीनीथ भी लिख सकते हैं और अंडर नीथ भी कर सकते हैं, जहां टच करता हो। समझ में आया। अब इसमें सब बात लिख दिया है, याद रखे में पहला के नीचे, कि नीचे के नीचे कोई वस्तु या व्यक्ति हो
तथा टच नहीं कर रहा हो, टच नहीं कर रहा हो, तब अंडर का प्रयोग करें। और दूसरा में लिखे हैं के नीचे कोई वस्तु हो तथा पूरा तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से टच करता हो, तब बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। तो हम समझते हैं कि आपको के नीचे के अर्थ में अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ का प्रयोग करना समझ में आ गया होगा। अगला प्रयोग देखेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब पहला है के सामने कोई वस्तु हो, के सामने कोई वस्तु हो। जैसे देयर इज ए वेल, एक कुआं है, देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मतलब मेरे घर के सामने, तो मेरे घर के सामने क्या है, कुआं है, पेड़ है, तालाब है, कोई चीज है, तो इस स्थिति में हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि व्यक्ति कतार में हो, लाइन में खड़ा है, लाइन में कतार में खड़ा हो जाता है, तो आगे वाला व्यक्ति के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज स्टैंडिंग, राम खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे आगे खड़ा है, इन द लाइन पंक्ति में, तो इन द लाइन खड़ा है मतलब आगे खड़ा है, तो के आगे के अर्थ में हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और जो पीछे रह गया था बिहाइंड का, इसका मतलब कि कतार में खड़े हुए व्यक्ति, किसी व्यक्ति से वो आगे है तो आगे के लिए इन फ्रंट ऑफ, और जो पीछे है उस पीछे के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रयोग, किसी सवारी का किसी स्थान के सामने रुकना, किसी स्थान के सामने, द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई कहां, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मतलब मेरे घर के सामने, तो किसी स्थान के सामने के भी अर्थ में हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का चौथा प्रयोग है किसी व्यक्ति के उपस्थिति में, मतलब वह व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। जैसे द चेक्स मस्ट बी साइंड, चेकों पर जो है साइन अवश्य किया जाना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द कैशियर, कैशियर के उपस्थिति में, एट द बैंक, बैंक में, तो बैंक में जो कैशियर होता है उस कैशियर के उपस्थिति में ही चेकों पर साइन अवश्य होना चाहिए। दूसरा है प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट, कृपया इस चीज के बारे में बातचीत नहीं करें, इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रेन बच्चों के उपस्थिति में, मतलब बच्चे उपस्थिति हैं, उपस्थित हैं यहां पर, तो उनकी उपस्थिति में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रयोग है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है घेरा के अंदर, घेरा के अंदर के अर्थ में इनसाइड, तथा घेरा के बाहर, घेरा के बाहर के अर्थ में आउटसाइड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ही वॉज गोइंग, कहां जा रहा था, इनसाइड द रूम मतलब रूम के अंदर। देयर वॉज ए गोल्ड क्वाइन, एक गोल्ड क्वाइन था, कहां, इनसाइड द बॉक्स मतलब बक्से के अंदर। दिस वर्क विल बी फिनिश्ड, यह काम समाप्त हो जाएगा, इनसाइड ए ईयर मतलब एक साल के अंदर, मतलब टाइम के साथ भी इसका प्रयोग होता है, मतलब समय जो दिया हुआ है उस अवधि के अंदर कार्य जो है सो समाप्त किया जाएगा। You can park your car, आप अपनी कार को यहाँ लगा सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं, कहाँ, Outside my house मतलब मेरे घर के बाहर, Outside मतलब उस घेरा के बाहर, मतलब मेरे घर के बाहर। Don't go, मना कर रहा है,
डोंट गो आउटसाइड द स्कूल प्लेइंग ग्राउंड. डोंट गो आउटसाइड द स्कूल प्ले ग्राउंड, जो स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है उसके बाहर मत जाओ, मना कर रहा है. नोट में लिखे हैं कि आउटसाइड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सी हैज नो फ्रेंड्स. यहां पर आउटसाइड का प्रयोग किया गया है को छोड़कर के अर्थ में. आउटसाइड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब उसके अपने भाइयों और बहनों को छोड़कर, सी हैज नो फ्रेंड्स उसके कोई मित्र नहीं है, मतलब उसके सिर्फ कौन कौन मित्र हैं, उसका भाई है और उसके बहने हैं. तो अपने भाइयों और बहनों को छोड़कर उसके पास कोई मित्र नहीं है. प्रीपोजिशन के पार्ट 11 में अब जो अंतिम प्रयोग है वह है ऑफ का, ओ एफ. इसका पहला प्रयोग होता है का के की के अर्थ में. कौन सा अर्थ में? का के की के अर्थ में संबंध जोड़ने के लिए. जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, द वाटर ऑफ पटना, द लीड, लीड मतलब ढक्कन, द लीड ऑफ द बॉक्स मतलब इस बक्से का ढक्कन, मतलब इस बक्से का ढक्कन से संबंध है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब प्राइम मिनिस्टर कहां के? इंडिया के, मतलब इंडिया से संबंध जोड़ रहा है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो चीफ मिनिस्टर कहां के? यूपी के, मतलब संबंध जोड़ रहा है. द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया समस्याएं कहां के? भारत के. समस्या का संबंध किससे है? भारत से. तो उस काके की के अर्थ में संबंध जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है. दूसरा प्रयोग है अधिकार बताने के लिए. जैसे राहुल इज ए फ्रेंड ऑफ माइन मतलब राहुल जो है मेरे बहुत से मित्रों में से एक है, मतलब मेरा ही मित्र है, मतलब उस पर मेरा भी अधिकार है. से संबंधित होना मतलब वह उस चीज से जुड़ा हुआ होना. जैसे ए मैन ऑफ हम्बल बिहेवियर, व्यक्ति कैसा है? तो व्यक्ति है हम्बल बिहेवियर, विनम्र व्यवहार, विनम्र स्वभाव का है. ए वुमन ऑफ क्रूअल हार्ट, वुमन कैसी है? निर्दयी हृदय की है. स्टोरीज कहानियां ऑफ क्राइम एंड एडवेंचर, जो क्राइम से है और एडवेंचर मतलब साहसिक कारनामा से है. यह कहानी का संबंध किससे है? क्राइम से और एडवेंचर, एडवेंचर मतलब साहसिक कारनामा से है. चौथा प्रयोग है इंडिकेटिंग. क्या इंडिकेट करता है? सूचित करता है कि कोई चीज किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल से वो बना है. जिसे शर्ट्स मेड ऑफ कॉटन, शर्ट्स किस चीज के बने हुए? कॉटन के. चेयर्स कुर्सियां बनी हुई, मेड ऑफ फाइबर, फाइबर से बनी हुई. टेबल्स मेड ऑफ वुड, टेबल किस चीज का बना हुआ है? टेबल्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी का. तो ये सब मटेरियल है, कॉटन हुआ, वुड हुआ, फाइबर हुआ, जिस चीज से बना हुआ है तो उसके मटेरियल को भी बताने में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं. अगला है माप तौल बताने में भी, कितना माप है उसका वजन बताने में ऑफ का प्रयोग. जैसे एक किलो ऑफ शुगर, एक किलो चीनी. टू मंट्स, मंट का मतलब होता है मन, वजन में. टू मंट्स ऑफ राइस मतलब दो मन चावल. ए बोतल ऑफ पेप्सी, पेप्सी एक बोतल, एक बोतल पेप्सी. फाइव लीटर ऑफ पेट्रोल, पांच लीटर पेट्रोल, माप तो बता रहा है. टेन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड कितना? टेन ग्राम्स. तो इस तरह से माप तौल बताने में भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है.
छठा है डिस्टेंस स्पेस टाइम और डेट बताने में भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे विदिन, विदिन मतलब के भीतर, विदिन 10 yards ऑफ द स्टेशन, मतलब स्टेशन के 100 yards के भीतर। तो यहां पर क्या बता रहा है, यहां जो बता रहा है आपका 100 yards जो है डिस्टेंस बता रहा है। ए विलेज, एक गांव कहां है, 5 miles नॉर्थ ऑफ दानापुर, मतलब दानापुर के उत्तर में 5 मील दूर, 5 miles नॉर्थ ऑफ दानापुर। तो गांव कहां है, 5 मील दानापुर के नॉर्थ में, उत्तर में। तो ये क्या बता रहा है, यह जो है सो आपका इसमें से बता रहा है स्पेस या डिस्टेंस। ए क्वार्टर ऑफ 11, टाइम बताने में आया, ए क्वार्टर ऑफ 11, इसका मतलब हुआ 11:45। तो 11:45 वह एएम भी हो सकता है और पीएम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। द 22nd of July, डेट बताने में, द 22nd of July मतलब 22 जुलाई, 22 जुलाई को कैसे लिखेंगे, द 22nd of July, ये हुआ आपको डेट बताने में। अगला है रीजन बताने में, कारण बताने में, जैसे मर गया कोई तो डाई ऑफ हंगर, भूख से, ए डिजीज किसी बीमारी से, थर्स्ट प्यास से, ये सब कारण बता रहा है। असेंड लज्जित था, तो लज्जित होने का कारण क्या था, हिज बिहेवियर, मतलब अपने व्यवहार के चलते, मतलब कुछ बुरा व्यवहार किया जिससे स्वयं वह लज्जित था, अपने बुरे व्यवहार के चलते, कारण बता रहा है। प्राउड, उसको गर्व था, उसका कारण क्या था, प्राउड ऑफ बीइंग कैप्टन, मतलब कैप्टन बनने के कारण, बीइंग, बी मतलब होता है बनना, प्रीपोजिशन के बाद जब भी भर्व आता है तो आईएनजी लग के आता है, इसलिए प्राउड ऑफ बीइंग कैप्टन, मतलब कैप्टन बनने के चलते उसको गर्व था। आठवां प्रयोग है इससे संबंध जोड़ने के लिए, जैसे ही इज ए टीचर, इनका संबंध किस चीज से है, ही इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश के टीचर है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, या डिक्शनरी किस चीज की है, इंग्लिश की है। द टाइम ऑफ डिपार्चर, अब टाइम क्या हो गया है, अब यहां से प्रस्थान करने का। ही इज श्योर, क्या आशान्वित है, श्योर है ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता के लिए वह आशान्वित है। नौवां जो प्रयोग है इसमें के स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है, ईट प्लस प्रेजेंट में रहेगा तो ईज, पास्ट में रहेगा तो वाज, के बाद एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के बाद ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले ऑफ आएगा और उसके बाद जो वर्ब आएगा 2+V1 रूप में आएगा। ईट इज या वाज प्लस एडजेक्टिव के साथ ऑफ लग करके ही ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1 रूप में आएगा। जैसे इट इज काइंड ऑफ यू, यह आपकी बहुत दयालुता है, टू हेल्प अस, कि आप हम लोगों को मदद करते हैं। It was wrong of them, यह उसकी गलती थी, to go there, कि वहां गया, मतलब वहां जाना उन लोगों की क्या थी, गलती थी। It was cruel of her, यह उसकी क्या थी, निर्दयता थी, to beat her child, उसने अपने बच्चे को पीटा, मतलब अपने बच्चे को पीटना उसका क्या था, निर्दयता का भाव था। तो इस इट इज या वाज के बाद एडजेक्टिव ही आएगा, देखिए आया है इट इज काइंड, इट वाज रॉन्ग,
इट वॉज क्रूएल। उसके बाद देखिए ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट आया है, ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, ऑफ यू, ऑफ देम, ऑफ हर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आने वाला वर्ब टू प्लस वी रूप में आया। इस तरह से आपका जो है प्रीपोजिशन जो है यहां समाप्त होता है, और प्रत्येक पार्ट का जो है सो हम पीडीएफ इसमें अपलोड करेंगे।